Hello children, I Mrs. Pathan Afreen Khan welcome you for online study. So children, what today we are going to learn? Today again we are going to learn Sarvajanik Sthan. In that we are going to see Aspatal. So let's start. Toh bachcho, aaj hum kya dekhenge? Aaj hum dekhenge chauthi ikai, paath pehla, chitravachan dekho, samjho aur batao. Aur usme हम सार्वजनिक स्थान में अस्पताल देखेंगे. तो बच्चों, अस्पताल यानी क्या? अस्पताल यानी हॉस्पिटल. अभी बच्चों वहाँ पे क्या बताया है? जन जन के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं. अभी बच्चों जन जन के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं ये मतलब क्या? कि हर एक व्यक्ति का या इंसान का हम अच्छे से ख्याल रखते हैं, अच्छे से ध्यान रखते हैं. तो बच्चों आपको पता है, या आपको तो पता ही होगा कि जब हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो हम कहाँ जाते हैं? हमें अपने मम्मी पापा कहाँ पे लेके जाते हैं बच्चों? कोई बताएगा मुझे? वेरी गुड, हमें हॉस्पिटल लेके जाते हैं या हमें अस्पताल लेके जाते हैं. अभी जब हम अस्पताल जाते हैं ना बच्चों, तो वहाँ हमें कौन देखता है? हम किसके पास जाते हैं? हमारे मम्मी पापा हमें किसके पास लेके जाते हैं? कौन बताएगा? वेरी गुड, हमें डॉक्टर दिखता है. वहाँ पे कौन दिखता है? डॉक्टर दिखता है. तो बच्चों अभी आपको ये जो अस्पताल का चित्र है ना, वो आपको अच्छे से देखना है. अभी देखो हॉस्पिटल यानी अस्पताल के चित्र में क्या क्या बताया है. अभी देखो यहाँ पे एक स्त्री डॉक्टर है, वह किसी दो और एक औरत और एक आदमी जो बाकड़े पे यानी बेंच पे बैठे हुए हैं उनसे बात कर रही है, कुछ बता रही है. बाजू में डॉक्टर हाथ में किताब लिए अस्पताल में घूम रहे हैं. अभी देखो डॉक्टर के ही पीछे वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक वार्ड बॉय खड़ा हुआ है. उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? रोगी के पास एक ही व्यक्ति ठहरे, यानी वह रूम्स है जो वहाँ कमरे हैं, वहाँ पे जो पेशेंट रहते हैं उन्हें रखा जाता है. तो वहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ है कि रोगी के पास एक ही व्यक्ति ठहरे, यानी जो पेशेंट है उसके पास में सिर्फ एक ही व्यक्ति ने रहना है या ठहरना है. अभी देखो बीच में एक आदमी एक लड़की को व्हील चेयर पे बैठ के अस्पताल के और लेके जा रहा है. वह लड़की के पैर में चोट आई हुई है, वहाँ पे प्लास्टर लगा हुआ है. अभी उसके पीछे नर्स दवाइयाँ लेके रूम में जा रही है. नर्स के पीछे वार्ड बॉय स्ट्रेचर पे एक पेशेंट को अस्पताल में लेके जा रहा है, और वो स्ट्रेचर के साथ में एक औरत भी चल रही है. अभी नर्स यहाँ पे देखो, नर्स के बाजू में ओटी करके लिखा हुआ है. ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर, और उसके ऊपर एक लाल लाइट भी लगी हुई है. अभी ये जो ओटी है ना बच्चों, यहाँ पे ऑपरेशन किया जाता है. तो जब ऑपरेशन के लिए पेशेंट को अंदर लिया जाता है तो वहाँ पे लाल लाइट लगाई जाती है, और जब वह लाइट बंद हो जाती है तो समझना है कि ऑपरेशन हो गया. अभी देखो यहाँ पे एक बच्चे के ऊपर लिखा हुआ है शांति बनाए रख. शांति बनाए रखे यानी कीप साइलेंस, ज़्यादा आवाज़ नहीं करना है. क्योंकि बच्चों जब हॉस्पिटल में अगर हम ज़्यादा आवाज़ करेंगे ना, तो वहाँ के जो पेशेंट है उन्हें तकलीफ़ होती है. इसीलिए वहाँ पे लिखा हुआ है कि शांति बनाए रखे. अभी उसके बाजू में स्वच्छता रखे, यानी हॉस्पिटल में हमें हमेशा स्वच्छता का पालन करना चाहिए. क्यों करना चाहिए? अगर हम गंदगी करेंगे ना बच्चों वहाँ पे, तो पेशेंट लोगों को और तकलीफ़ होगी, वो और बीमार हो जाएंगे. तो इसीलिए वहाँ का माहौल कैसा रखना चाहिए? स्वच्छता यानी क्लीन रखना चाहिए. अभी देखो यहाँ पे एक काउंटर दिया हुआ है. काउंटर के अंदर दो लेडीज़ बैठी हुई है, दो औरतें बैठी हुई है, और वहाँ पे लिखा हुआ है पूछताछ. पूछताछ यानी क्या बच्चों? कि रिसेप्शन. वहाँ पे एक आदमी खड़ा है और वह औरत से बात कर रहा है, वो पूछ रहा है हमें कुछ
किसी भी चीज़ की मालूमात चाहिए होती है ना बच्चों, तो हम वहाँ रिसेप्शन पे जाके पूछ सकते हैं कि जैसे हमारा ये पेशेंट है, कहाँ पे कौन से रूम में एडमिट है, कौन सी दवाइयाँ देनी है, ये डॉक्टर कब आएंगे, वो डॉक्टर कब आएंगे, ये सब बातें हम उनसे पूछ सकते हैं। उनके बाजू में भी एक औरत कंप्यूटर लेके बैठी हुई है। वह कंप्यूटर में पूरे हॉस्पिटल का रिकॉर्ड रखती है, यानी कौन सा पेशेंट कौन से दिन एडमिट हुआ, कब उनको उसको डिस्चार्ज मिला, ये जब जितनी भी जानकारी वो पेशेंट के बारे में जितने भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है ना, कि वो कंप्यूटर में सेव करके रखती है, ताकि कोई भी कभी भी आके अगर पूछे तो वह फटाक से या झट से उसे बता सकती है। अभी यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, देखो रोगी से मिलने का समय, अभी रोगी से मिलने का समय क्या दिया हुआ है, सुबह 10 से 11 बजे तक, यानी सुबह में जब पेशेंट को अगर आपको मिलना है तो 10 और 11 के बीच में आपको आके उसे मिल के जाना है, और शाम को 5 से 7 बजे तक, यानी अगर शाम में आपको मिलना है ना पेशेंट से, तो 5 और 7 के बीच में आकर मिल के जाना है। तो बच्चों यह हॉस्पिटल का पिक्चर मैंने आपको अच्छे से समझाया है। अभी आपको क्या करना है बच्चों, अपनी मम्मी या पापा के साथ में जाकर डाकघर, बैंक, हॉस्पिटल, ये सब विजिट करना है, यानी आपको वहाँ पे जाना है और सब देखना है और उसका महत्व समझना है। तो ये है हमारी सब सार्वजनिक स्थान। तो बच्चों आशा करती हूँ कि ये जो 4 मैंने सार्वजनिक स्थान आपको समझाए हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। सो नाउ टुडेज़ होमवर्क, सो टुडेज़ होमवर्क इज़ यू हैव टू राइट स्वच्छता रखे, शांति बनाए रखे, पूछताछ, OT, उसके बाद में रोगी के पास एक ही व्यक्ति ठहरे। दिस 4 to 5 sentences यू हैव टू राइट इन योर क्लास वर्क एज वेल एज इन योर होमवर्क नोटबुक। सो बच्चों ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।